खुद ही तो विरोधी हैं। जो टीएमसी के लोग हैं वो भी अगर सच कहने का साहस कहीं जुटा लेते हैं तो उनको भी तो चला जाता है समन। ये क्यों किया जा रहा है? और ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या आपने पार्टी कैडर को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कम से कम पार्टी में रहते हुए तो ममता दीदी की लाइन टो करना है, वरना पार्टी से बाहर, या फिर भुगतोगे तुम? देखिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब निर्भया केस हुआ था तब 2013 का संज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी भी विक्टिम जो होता है, किसके ऊपर में ये बलात्कार जैसी घटना होती है, उसका नाम, उसकी फोटो छुपाई जाए, और उस फोटो को जो लोग है उन लोगों को अगर अगर उसके अगर कानून अपना काम करता है तो उसको आपको तानाशाही लगती है। आप बताइए, हाई कोर्ट ने 14 तारीख की रात को जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर में वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी के जो युवा ये कुछ पहली युवा बार है, है सर। एक मिनट मेरी बात पूरी खत्म होने दीजिए। जब आप इतना आरोप लगाते हैं तो सुनने बोलने के लिए मुझे समय दीजिए। आरजी कर के अंदर में जब रात को 7,000 की मॉब बौखती है, हाई कोर्ट बोलता है कि ये मॉब कहां है, एक तरफ जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत नहीं हुआ है, ये सरासर गलत हुआ है, और जो भी दोषी है उसको चिन्हित कर करके, मगर उस बच्ची के साथ आप राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ आप रोटी कर रहे हैं। मुझे इतिहास की याद आ रहा है कि गोवलकर की किताब ने किला लिखा था कि रेप को राजनीतिक शूल के तरह इस्तेमाल करो। वामपंथियों की मैं बात नहीं करूंगा, उन्हें तो पश्चिम बंगाल के अंदर में भारत के झंडा उठाने तक में शर्म आती है, तो मैं वामपंथियों की बात नहीं करूंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी जो वन पार्टी वन इंडिया वन नेशन की बात करती है और बंगाल को तोड़ने की बात करती है कि हम बंगाल में कुछ बिहार अलग बताएंगे, दार्जिलिंग अलग बनाएंगे, आप फलाना करेंगे, बंगाल को अरे आप ढाका बना पागल हैं देंगे, क्या? अच्छा सर, यहां पे अगर आप इंडिया इस में घटना ममता की बनर्जी है, घटना कम शेख से कम हसीना बाकी सब नहीं तो ठीक है, है, आपके देयर पास इज अ बहुत बिग सारे। डिफरेंस बिटवीन ममता बनर्जी एंड शेख हसीना। शेख हसीना वहां के एक वे सेकंड थोड़ा एक सेकंड एक सेकंड, वो रोक गए, बड़े ममता बनर्जी और शेख हसीना के साथ जो बड़े आप लोग उग्र चला तरीके रहे से अपनी हैं। बात रख रहे हैं, ओजस्वी तरीके से, उनकी बात पूरी हो जाए, हो गई सर। धीरेज जी, अब नहीं मैं नहीं जी, अब आप लोग बीच में एक बात बोलते हैं, श्याम प्रकाश आप पुरोहित मुझे जी, सिर्फ जरा यह ये बताइए देखिए, कि 5 दिन आप इस में घटना की तो निंदा करते हैं ना, पीड़ित परिवार के साथ तो आप हैं ना, कौन नहीं है, पीड़ित 11 परिवार के करोड़ साथ पश्चिम आप हैं बंगाल की ना। पूरी अब जनता पीड़ित है। परिवार क्या कह रहा है जरा सुन लीजिए। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर हो रही किरकिरी के बाद से ममता सरकार की बौखलाहट बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रे ने मांग की थी कि सीबीआई को कोलकाता की पुलिस आयुक्त और आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की बात किसने और क्यों फैलाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया था कि इन दोनों से पूछताछ होगी तो ही पता चलेगा कि सेमिनार हॉल की दीवार क्यों गिराई गई, आरोपी संजय रे को इतना पावरफुल बनाने में किसने मदद की। इन्हीं सुखेंदु जी को बाद में देखिए क्या भुगतना पड़ गया, क्योंकि इन्होंने सच कह दिया था। अब दूसरी बात, जो पीड़िता की मां है उनका कहना है कि वहां पर ऐसी धाराएं क्यों लगा रही हैं उस इलाके में कि कुछ लोग इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपना दर्द, अपना रोष प्रकट भी ना कर सकें, अपना प्रदर्शन भी ना कर सकें। यह कह रही है पीड़िता की मां, और उस परिवार के साथ तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी और उनकी पार्टी खड़े हुए हैं। क्या उनकी बात को सुनेंगे आप? नहीं, देखिए हाई कोर्ट के अंदर में संज्ञान लेने के बाद में अगर वहां पे सुरक्षा देने के लिए डॉक्टरों को अगर कोई भी कड़ा कानून अगर बनाता है, कलकत्ता पुलिस करती है, इनको आपत्ति क्या है? आपत्ति किसको है? अगर अरे ये तो जिंदगी आपत्ति, भर के आप लिए ये नहीं कह नहीं रहे नहीं नहीं, हैं नहीं कि पीड़िता की वहां मां पे को आपत्ति पचास है? नहीं, मुझे बताइए, सीबीआई का घेराव करिए ना, मैं बोलता हूं आप करिए, सीबीआई कार्यालय का घेराव कि सीबीआई जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है उसका घेराव करिए, उसके पूछिए कि अभी तक जांच 5 दिन में 120 घंटे हो गए, जांच कहां तक बढ़ी क्या है? बात है सर, देखिए देखिए देखिए, क्या बात सीबीआई है का स्वयं घेराव नहीं प्रकाश पुरोहित करेंगे, जी, क्या फॉर्मूला सीबीआई की बताया जांच आपने। नहीं। ममता काले जी, ये फॉर्मूला तो गजब का है, ये फॉर्मूला तो असल में लोगों को सूझा ही नहीं। लोग बेचारे वहां जाकर अस्पताल के सामने ना जाने क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो ना जाने क्यों केस मानते हैं कि जब लॉ एंड सीबीआई ऑर्डर के के लिए तो पास में असल में ये है, सरकार जिम्मेदार है, उनको तो सीबीआई का घेराव करना चाहिए। ममता काले जी, जी दिनेश जी, इसको कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी वहां पर सत्ता में है कि विपक्ष में है। मतलब एक तो वो स्वरूप, वो नजारा मैं भूलती नहीं हूँ जहां पर ममता बनर्जी प्रोटेस्ट में निकल गई है, किसके खिलाफ? मुख्यमंत्री वो है वहां
की, वहां की गृह मंत्री वो है, स्वास्थ्य मंत्री वो है, प्रोटेस्ट पर उतरी हुई है, यहाँ पर ये न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे पुलिस आपके पास है, एक मिनट सुनिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, एक महिला के बारे में बात हो रही है, प्लीज रूमर्स मत फैलाइए, प्लीज बहुत सेंसिटिव महिला है, नहीं 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 नहीं, आप ये देखिए यही आपकी संवेदनहीनता है, एक महिला के बारे में बात हो रही है और आप देखिए बीच में कूद पड़े, आप दूसरी महिला को बोलने नहीं दे रहे, आप ऑन कैमरा एक महिला को बोलने नहीं दे रहे, तो सोचिए ऑफ कैमरा आप पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ क्या करते होंगे, आप सोचिए क्या करते होंगे आप महिलाओं के साथ, आप एक नेशनल टेलीविजन पर ऑन कैमरा लाइव डिबेट पर एक महिला को नहीं बोलने दे रहे, तो आप ऑफ कैमरा महिलाओं के साथ क्या करते होंगे आप लोग, ये स्वरूप है आप लोगों का, ये स्वरूप है आपका, आप महिला होकर के ये भी ताना चाहिए कि ये भी ताना चाहिए क्या स्वयं प्रकाश जी, ममता काले जी से सवाल है और आप उनको बोलने नहीं दे रहे, क्या व्यक्ति है ये, क्या व्यक्ति है ये, उनकी बात तो सुनिए, ममता काले जी सुनिए, आपकी कही हुई बहुत सारी बातें उनको गलत लग रही थी लेकिन वो चुप होकर सुन रही थी आपकी बात, सीबीआई के पास में जांच हो रही है, आपने पीड़िता के पिताजी से सीबीआई की बात की, सीबीआई जांच हुई, नहीं चिल्ला के आपको चिल्लाने का अधिकार है क्या, आप टीवी चैनल में सोशल मीडिया में उस बच्ची का नाम उस बच्ची की तस्वीर सब जारी करते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है, एक बच्ची के बलात्कार के ऊपर भी आप लोग राजनीति में एक्सपोज कर रहे हैं, देख रही है डॉक्टर बेटी के साथ खड़े हैं, तो आप लोग उनको नंगा घुमा के भेज रहे हैं, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, कहीं तो रुकिए, अपनी आत्मा को झकझोरिए, अपनी आत्मा को झकझोरिए, ये जो सृष्टि है इसके रचयिता ईश्वर है, पर इसको आगे नारी अपने कोख में आप जैसे पुत्रों को हम जैसी पुत्रियों को जन्म करके आगे बढ़ाती है, कुछ तो सोचिए आप कुछ, अरे मेरे आप रहने दीजिए, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, आपने एक महिला की महिला के दुराचार व्यभिचार पर स्वयं प्रकाश जी उस बच्ची को नोट करके खा रहे हैं, आप राजनीतिक गिद्ध हैं, स्वयं प्रकाश जी ओवरलैप क्यों कर रहे हैं आप, ममता काले जो कह रही हैं वो सुन लीजिए और उसके बाद अपने पॉइंट सामने रखिए, स्वयं प्रकाश जी ये क्या तरीका है बात करने का सर, स्वयं प्रकाश जी आप बोलते चले जा रहे हैं, ममता काले जी से मेरा सवाल था आप बोलते चले गए, आप रुके ही नहीं सर, ये भी ऑटोक्रेटिक तरीका आप लोगों को सिखाया जाता है क्या डिबेट में जाकर बात रखने का, आपका जो मीडिया है ये जो नैरेटिव चला रहा है उस समय आप ये नैरेटिव चला रहा है सर, पिछले 24 घंटे कम से कम इतने 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 विभत्स कृत्य के बाद आप इसको नैरेटिव मत कहिए सर, नहीं नैरेटिव है आप इसको नैरेटिव कह रहे हैं सर, कि ममता जी ताना था, अरे आपको एक बात नहीं मैं एक बात स्वयं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी आप सुनेंगे मेरी बात, बचाने के लिए कितना गिर रहे हैं, वरना फेडर डाउन करना पड़ेगा सर, स्वयं प्रकाश जी आपका चैनल है, 1111 रेप के केसेस हुए हैं 2022 में पश्चिम बंगाल में, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का जो नेशनल एवरेज है वो 64.5 का है और पश्चिम बंगाल में ये क्राइम अगेंस्ट वुमन पहुंच जाता है 71.8%, और उसके बाद आप ये सब बातें कह रहे हैं सर, शत्रुपा जी के पास जाता हूं, शत्रुपा जी खाता ना बही, जो हम कहें वो सही और माई वे और हाई वे, ये यही यहाँ डिबेट के दौरान भी दिखाई दे रहा है, दिनेश जी सुनिए, ये लोगों का हैबिट है सिर्फ नेशनल चैनल में बोलने पाते हैं, बोलते कम है लेकिन अगर स्टूडियो में रहते हैं तो इतना चिल्लाता है, शत्रुपा जी नैरेटिव क्या होता है, क्या इस देश में यहाँ की जनता इतनी प्रबुद्ध नहीं है कि उसको मालूम हो कि सच कौन कह रहा है गलत कौन कह रहा है, कोई आएगा मन माफिक कोई नैरेटिव चलाएगा और जनता उसको सब्सक्राइब कर लेगी,